हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गायत्री। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लगभग हर गांव में आपको कुछ ना कुछ अलग रिवाज या कुछ अनोखे फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। जैसे किसी गांव में सांप की पूजा करते हैं, किसी गांव में सिर्फ पुरुष खाना बनाते हैं, तो कोई गांव में काले जादू के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आपको एक ऐसे घर में रहना है जहाँ बेडरूम एक देश में है और किचन दूसरे देश में है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही सुना आपने, सोच में पड़ जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? वैसे मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। भारत में एक ऐसा गांव स्थित है जहाँ लोग अपने देश में खाते हैं और सोने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस गांव का नाम है लोंगवा, जो नागालैंड में स्थित है। तो आइए जानते हैं नागालैंड की दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, नागालैंड के लोंगवा गाँव से भारत म्यांमार सीमा ठीक बीच से गुजरती है, इसलिए इन लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती है और इन्हें स्वतंत्र घूमने की आज़ादी भी है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नागालैंड पर्यटकों के द्वारा भारत की जमीन पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला हिल स्टेशन है। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर 100 से भी कहीं ज्यादा अधिक ट्राइबल्स रहते हैं। सबकी अलग अलग भाषा है। इसके अलावा सबके अलग अलग त्योहार और संस्कृति है। काफी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसलिए नागालैंड को त्योहारों की धरती भी कहा जाता है। इसमें से एक है हार्नबिल फेस्टिवल, जो ज्यादा तौर पर यहाँ पर फेमस है। 1 दिसंबर से 10 दिन तक यह फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, सब्जी में अगर मिर्च ज्यादा होती है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। यह इसी राज्य की देन है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, जिसका नाम भूट जोलो किया है, इस मिर्च का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों, नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। किसी भी बाहर के व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, नागालैंड में कई जानवरों को खाया जाता है। यहाँ पर कुत्तों का मीट भी खाया जाता है, जो आमतौर पर अन्य राज्यों में नहीं खाया जाता। नागालैंड का पहनाव बहुत अलग है। यहाँ के निवासी रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनते हैं और पैरों में कड़ा पहनते हैं, जिसकी सहायता से वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इस राज्य में केवल एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही एयरपोर्ट है, जो दीमापुर में स्थित है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और यहाँ पर ज्यादातर त्योहार कृषि से जुड़े हुए हैं। यह एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ के लोग सब्जियों को ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, नागालैंड में दीमापुर सबसे बड़ा शहर है। यहाँ महाभारत काल की विरासत आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हिडिम्बा का वाड़ा है, जहाँ पर हिडिम्बा ने भीम से विवाह किया था। इस राजवाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची गोटिया है। लोगों का मानना है कि इस गोटियों पर भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेला करते थे। इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया था। नागालैंड के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित है डजुको वैली। कोहिमा से 25 किलोमीटर दूर एक अट्रैक्टिव टूरिज्म प्लेस है। यह गर्मियों में खिलने वाले बहुरंगी कारपेट्स के लिए प्रसिद्ध है। स्पेशली यह लिली फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जफू पीक ट्रैक, दीमापुर, मोकोनचुंग, सालामती बीक ऐसे अट्रैक्टिव प्लेसेस है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये था नागालैंड के बारे में। क्या आपने कभी नागालैंड की सैर की है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।